नमस्कार दोस्तों, विशाल आयुर्वेद अमृता नाम के चैनल में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको ढालन के विषय में बताएंगे। ये ढालन क्या चीज़ है, क्या समझते हैं आप ढालन से, रसशास्त्र में एक इम्पॉर्टेंट परिभाषा है ढालन की, तो सुनिए। ढालन रस तरंगनी के अनुसार उसकी परिभाषा ये है, संद्रा वितस्य द्रवस्य द्रवे निक्षेपणन्तु यत् ढालनम तत् समुद्दिष्टम रस कर्म विशाल दे, अर्थात अग्नि के द्वारा गर्म करके स्वर्ण रजत आदि धातुओं को पिघलाकर किसी स्वरस स्वाद द्रव्य के में डालने की प्रक्रिया को रस शास्त्र में ढालन कहा जाता है। दोस्तों, इस परिभाषा से स्पष्ट ये है, इसका तात्पर्य यही है कि हमने कोई भी मूर्छा में हमने अगर गोल्ड को, रजत को, लौह को, किसी भी धातु को हम पिघलाया, पिघलाने के बाद हमने पिघली हुई अवस्था में ही उसको जल में डाल दिया, तो उस प्रक्रिया को हम ढालन कहते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मूसा को गर्म करेंगे, अभी मूसा ठंडी है, गर्म करने के बाद इसमें जो द्रव पिघला हुआ रहेगा उसको हम सीधा पिघला हुआ द्रव जाके जल में डाल देंगे, तो जल में डालने के बाद वो बहुत एक उसका रूप अलग हो जाएगा, तो उसको हम ढालन कहते हैं। उदाहरण में जैसे स्वर्ण हुआ, रजत हुआ, आपने वंग हुआ, ऐसे बहुत सारी धातुओं को पिघला के आपने कई जगह यूट्यूब पर देखा होगा किस तरह से धातुओं को पिघला के उसको जल में डाला जाता है, उसको ढालन कहते हैं। आपने निर्वाप में जो स्थिति पड़ी थी, निर्वाप में मैंने आपको बताया था कभी किसी धातु को गर्म करते हैं, उसको जला करके फिर हम उसको जल में भुजाते हैं, तो वो निर्वाप कहलाता है। लेकिन ढालन में पिघली हुई धातु को ही पिघलाने की मूसा में पिघलाने के बाद फिर हम उसको जल में डाल रहे हैं, दोनों में ये डिफरेंस है, ये बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो ये प्रक्रिया ढालन कहलाती है। तो निर्वाप और ढालन में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और आपको डिस्प्ले पे मैंने पूरी चीज़ें दिखाई हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपको एक परिभाषा लेके और आता हूँ, जल्दी से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।